अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने रॉबर्ट वाड्रा, सोनिया गांधी के दामाद पर कई आरोप लगाए हैं फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के, अरविंद जी जमीनों से संबंधित आरोप है, सोच समझ कर लगाएगा आरोप? सबूत है, देखिए सारे सबूत है, और अगर कुछ इसमें आपको शक नजर आए तो और डॉक्यूमेंट्स हमारे दफ्तर में पड़े हैं कि 300 करोड़ की प्रॉपर्टीज डीएलएफ वालों ने उसको ट्रांसफर कर दी। क्योंकि कुछ तो फायदा पहुंचाया होगा रॉबर्ट वाड्रा ने, और ये सारी जो प्रॉपर्टीज खरीदी ली गई हैं ये तीन राज्यों में है, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा, तीनों में कांग्रेस की सरकारें हैं। तो कांग्रेस की सरकारों ने डीएलएफ को ऐसा क्या फायदा पहुंचाया कि ये 300 करोड़ की प्रॉपर्टीज इनको ट्रांसफर की गई? अरविंद जी आप शिकायत कर सकते थे, सीबीसी थी, सीबीआई थी, कोर्ट था, आपको लगता है किसी की हिम्मत है इस देश में? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मैं था, मेरे चेयरमैन की हिम्मत नहीं है कि सोनिया गांधी जी की फैमिली के खिलाफ वो कर दें। सीबीआई डायरेक्टर की हिम्मत है जो सोनिया गांधी जी की फैमिली के खिलाफ जांच कर ले? किसकी हिम्मत है? कोई एजेंसी है? इसीलिए तो हम जनलोकपाल बिल की मांग कर रहे थे। सुना आपने, केजरीवाल कहते थे कि देश में किसी की हिम्मत नहीं है जो रॉबर्ट वाड्रा की जांच कर सके, और ये भी कहते थे कि उनके पास तो सारे सबूत है रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ। आज जब देश में किसी की हिम्मत है रॉबर्ट वाड्रा की जांच करने की और रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ करने की, तब केजरीवाल चुप है, सन्नाटे में है, क्योंकि वो गठबंधन करना चाहते हैं, उन्हीं से गठबंधन करना चाहते हैं जिनके खिलाफ सबूत लेके घूमते थे, जिनको भ्रष्ट और चोर कहते थे।